हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास टेंथ आई फ्रॉम सेलिना कंसाइज बुक एक्सरसाइज फाइव बी का एट एंड नाइन्थ सम तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व इक्वेशंस गिवन बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड पे एक अलग सी वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने एक ट्रिक बताई है कि आप लोग बहुत इजीली फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे भी देख सकते हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाइन्थ सम सॉल्व करेंगे फिर सम सॉल्व करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसका होल स्क्वेयर ओपन करना पड़ेगा एक्स सॉरी टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मुला यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू फोर्टी नाइन ये एज इट इज जब इसका स्क्वायर खोले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायेयर प्लस नाइन माइनस टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स इसको इधर ले आओ ये हो जाएगा माइनस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू जीरो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म फिर इन दोनों को आप जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस फोर्टी फोर्टी नाइन और नाइन को इज इक्वल टू जीरो ये चीज़ आपके पास आएगी अब यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई है बट अगर आप इसे थोड़ा और इजी करना चाहते हो दैट मीन्स कि अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे है फोर यहाँ पे है ट्वेल्व ट्वेल्व जो है वो फोर का मल्टीपल है फोर्टी भी फोर का मल्टीपल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फोर को निकाल लेंगे कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया थ्री एक्स यहाँ पे कितना बच जाएगा टेन इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी अब ये जो फोर है जब उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा सॉरी डिवाइड होएगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होएगा तो ये जीरो हो जाएगा खत्म हो जाएगा मतलब के तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो स्टेटमेंट बच जाएगी हमारे पास अब हमें बनाने हैं इसके फैक्टर तो फैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं बट उससे पहले हमें क्या करना है कि कोएफिशिएंट कितना को है हमारे पास वन कांस्टेंट नंबर कितना है टेन इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपके पास टेन आ गया अब अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे के टेन को अंदर रख के इस तरीके से जैसे हम छोटी क्लासेस में एलसीएम एथ से फाइंड आउट करते थे उस तरीके से करना है टू फाइव जन अब यहाँ पे देखिए फाइव और टू को प्लस या माइनस करने पर आपको थ्री मिल सकता है मिल सकता है जी फाइव माइनस टू करेंगे तो हमें थ्री मिल जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्र थ्री जो है ये ध्यान रखना हमें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए अगर तो नेगेटिव चाहिए तो बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन आएगा माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेनवल टू जीरो से लिखेंगे अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ सकता है एक्स कॉमन आ गया अंदर क्या बचा हमारे पास एक्स माइनस फाइव अब इधर भी हमें बिल्कुल वैसी ही ब्रैकेट बनानी है बट यहाँ पे एक्स के साथ टू है तो हम क्या करेंगे टू को क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स यहाँ से टू निकाल लिया तो कितना बच जाएगा फाइव अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि टर्म बन रही है टू इंटू एक्स टू एक्स टू माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव हमारे पास दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स इधर क्या बच गया प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब दो का प्रोडक्ट कब जीरो होता है इधर फर्स्ट वाली टर्म इज इक्वल टू तो जीरो हो या फिर सेकेंड वाली टर्म इज इक्वल टू जीरो हो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास प्लस फाइव यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस टू ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है जी अब चलते हैं सम पे सम देखिए यहाँ पे ये यह देखने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही बट इसे हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एल्सियम जब एल्शियम लेंगे तो हमारे पास एल्सियम जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स आ जाएगा अगर इधर कुछ नहीं है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव अब अगर आप ऐसे ही लेके चलोगे इसे टू पॉइंट फाइव ही लेके चलोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो सारी डेसिमल में चलेगी और आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी इसको सॉल्व करने में तो यहाँ पर आप इजी करने के लिए क्या कर सकते हो टू पॉइंट फाइव को इस तरीके से लिख सकते हो फाइव बाई टू जब आप फाइव को टू के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास टू पॉइंट फाइव ही आता है ठीक है जी अब इसको आपको क्या करना है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है वो कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू को इधर कर दो एक्स को इधर कर दो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जब इधर करोगे तो टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू इंटू वन टू इधर आ गया फाइव एक्स अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि पहले एक्स स्क्र वाली टर्म फिर एक्स वाली ये इधर पॉजिटिव इधर आके हो गया नेगेटिव ये इधर इधर ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा इज इक्वल टू जीरो ये बनगी अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें निकालने हैं इसके फैक्टर तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक्स स्क्टर का कॉप्शन कितना है टू कांस्टेंट नंबर कितना है टू मल्टीप्लाई किया कितना आ गया फोर दैट मीन्स कि हमें फोर के फैक्टर निकालने हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अगर आप इस तरीके से लिखो टू टू या फोर तो देखिए टू और टू को प्लस या माइनस करने पर फाइव मिल सकता है नहीं मिल सकता तो फिर क्या करेंगे टू जो फोर है वो टू को छोड़ के और किस टेबल पे आ सकता है फोर के टेबल पे आ सकता है फोर वन जा फोर अब देखिए फोर और वन को प्लस या माइनस करने पर फाइव मिल सकता मिल सकता है ठीक है जी तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गए हमारे कि टू एक्स स्क्वायर जो फाइव है हमें नेगेटिव चाहिए तो माइनस का ही फोर एक्स लिखेंगे माइनस का ही वन एक्स या अकेला एक्स ऐसे लिख लो प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं ये आपको खुद सॉल्व करना है अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है जी और बाकी भी सारे सम्स पे मैंने अलग अलग वीडियोस डाल रखी हैं आप उसे भी देख सकते हो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल